जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जैसा कि अभी आपने प्रीव्यू देखा है, कुछ इस तरह का वेडिंग एनिवर्सरी स्टेटस किस तरह से क्रिएट करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू पर। इसके बाद आपने 9x16 वाला जो फ्रेम है इसको आपने सेलेक्ट करके नीचे से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने एक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना है। ये बैकग्राउंड भी आपके भाई ने खुद से तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आपने ड्यूरेशन उतनी रख लेनी है जितना आपने स्टेटस रखना है। तो मैं इसको 15 सेकंड पे रख लेता हूँ, आप चाहें जितना मर्ज़ी रख लें। इसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपनी एक कोई भी फ़ोटो जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो यार डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। 2 मिनट की वीडियो है, इतना परफेक्ट आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने एक क्लिक करना है और आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत परफेक्ट तरीके के साथ रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फ़ोटो को इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने नीचे से इसको भी ड्रैग करके लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रॉपिंग की, ये वाली, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने मास्क वाले को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये जो इसका नीचे फैदर नज़र आ रहा है आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा के 40 के करीब रख देना है, ठीक है। इसका काम यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद आपने दोबारा से जाना है लेयर पर, आपने जाना है मीडिया पर। अब आपने यहाँ पर एक टेम्पलेट को ऐड करना है। यहाँ पर ये एक टेम्पलेट ऐड हो गया। इसके बाद आपने यहाँ से राइट साइड से स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फुल स्क्रीन पर कर देना है। ऊपर से यहाँ से बैक आके आपने नीचे ब्लेंडिंग मोड पे जाना है, ये वाली ऑप्शन पर, और इसको आपने यहाँ से स्क्रीन मोड पे कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने लेयर पे जाना है, दोबारा से आपने मीडिया पे जाना है, और इस बार आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट को और ऐड करना है, वीडियो है, इसको भी आपने यहाँ से जाना है स्प्लिट स्क्रीन पर, इसको आपने फुल स्क्रीन कर देना है। ऊपर से बैक आके यहाँ से आपने जाना है ब्लेंडिंग मोड पे, यहाँ पर आपने इसको स्क्रीन मोड पे कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने बैक आ जाना है और आपने दोबारा से लेयर पे जाना है। दोबारा से लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपने दोबारा से यही वाली फ़ोटो एक ऐड करनी है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल छोटा कर देना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। इसको आपने बिल्कुल छोटा सा कर लेना है, ठीक है। आपने इसको तकरीबन इतना रख लेना है, ठीक है। तो इतना रखने के बाद आपने इसको भी क्रॉपिंग पे जाना है, इसको मास्क को इनेबल करना है, और इसका भी आपने फेदर जो है वो इतना बढ़ा देना है, ठीक हो गया। इतना करने के बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ फिर से। अच्छा, इतना करने के बाद आपने जो फ़ोटो है इसको सेलेक्ट करना है, और लेफ़्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है की की, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको इस तरह ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे आगे आएंगे, आपने फिर इसको इस साइड पे ड्रैग करना है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, इसको फिर आप इस तरीके से यहाँ पर इस साइड पर ड्रैग कर लें। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएं और यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रैग कर लें। इसी तरह ही आपने ये सारा जो है इसी तरह ही राइट लेफ्ट इसको ड्रैग करना है आपने, ठीक है। इससे होगा क्या, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ़ोटो है वो लेफ़्ट राइट मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद चाहिए जो आप तस्वीरें जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं आपने जो इसकी ड्यूरेशन है वो एंड तक रखनी है, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा किसी भी चीज़ का इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है।
इतना फिलहाल आपका ये काम क्लियर हो गया। आपने दोबारा से लेयर वाली ऑप्शन पे जाना है, आपने मीडिया पे जाना है और आपने यहाँ से एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने राइट साइड से यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड पे जाना है। दोबारा से ब्लेंडिंग मोड पे जाने के बाद आपने यहाँ से मल्टीप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इसको इस साइड पे ले आना है, नीचे वाली साइड पर। इस साइड पे रख देना है, ठीक है। आपने तो वॉल्यूम मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ, आप लोग ना कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटस है वो एकदम से रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए ऊपर से एरो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, या आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी।